साउंड स्क्रीन सब विजुअल है ना। यस ओके, करेंसी को सेल किया मैंने, ठीक है। और आज निफ्टी काफी ऊपर ओपन हो रहा है, 17,810 पर ओपन हो रहा है, तो बड़ा भयानक स्थिति है। काफी गैप अप ओपन हो रहा है, 165 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है। काफी भयानक गैप अप ओपन हो रहा है। ये 17,800 का कॉल ऑप्शन तो सीधे खुलेगा 100 पर, 14 रुपये का चीज सीधे 100 पे खुलेगा, इतना ओपन हो रहा है। इसका मतलब आज ऑप्शन में ट्रेड करने का सही माहौल बिल्कुल भी नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल, है ना। 17,810 पे डायरेक्ट ओपन हो रहा है, 17,810 यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, इस जगह पर। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ठीक है, वेट करना पड़ेगा। समय हो रहा है 9:14:29। तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन में आज थोड़ा सा टिपिकल है, आप करेंसी को तत्काल सेल कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखेंगे बाय साइड के लिए। अगर ग्लेनमार्क फार्मा अपने लोएस्ट लेवल को नहीं ब्रेक करे तो डेफिनेटली बाय का लेवल बनेगा, और मैं ग्लेनमार्क फार्मा में बाय का उम्मीद ही लगा के बैठा हूँ। 503 रुपये का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के ग्लेनमार्क फार्मा में तत्कालिक कंडीशन से बाय करेंगे 503 के स्टॉप लॉस के साथ। और मार्केट ओपन हो गया है, देखिए जैसा कि कहा था कि ये डायरेक्ट खुलेगा, आपको यहाँ पर 30 सीधे 30 पे खुला। अभी देखिए ये काम नहीं कर रहा है क्या, शायद मुझे लग रहा है मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, क्या मेरा कोई ऑर्डर ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, जरा चेक कर लें। 87 का प्रॉफिट करेंसी में है और करेंसी का ही ऑर्डर है। ग्लेनमार्क फार्मा में ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा में ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करने की ही कोशिश करेंगे, 503 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसा दिक्कत वाली बात तो क्या हो रहा है, ये रिजेक्शन दे रहा है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन डायरेक्ट 31 पर ओपन हो गया, कमाल है। 17,800 का कॉल ऑप्शन डायरेक्ट 31 पर ओपन हो गया, बताइए कितना हार्ड ओपन हुआ। निफ्टी का लेवल क्या बता रहा है, 17,800, ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ निफ्टी का कॉल ऑप्शन को, मैंने एक बाय किया हुआ है फिलहाल, थोड़ा रिस्क है, काफी ज्यादा गैप अप खुला है तो ये थोड़ा एक रिस्क तो बनता है। यहाँ पर निफ्टी को चेक करें तो बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि मैंने कहा था इसके ऊपर खुलेगा तो एक बार ये 17,850-860 तक जाना चाहिए, मैंने वो ध्यान में रखते हुए इसको बाय किया हुआ है। निफ्टी के कॉल ऑप्शन 17,800 के कॉल ऑप्शन को बाय किया है और वेट करना पड़ेगा क्या रिजल्ट इसका आता है, फिलहाल देखते हैं। 127 का प्रॉफिट चल रहा है, 135-157 इसका एक प्रॉफिट चला, करेंसी को सेल किया हुआ है, करेंसी को बिल्कुल आप सेल करिए, 100 का इधर प्रॉफिट है, तो ओवरऑल दो ट्रेड तो हमारे हैं, 335 का प्रॉफिट चल रहा है। कॉल ऑप्शन में 800 का प्रॉफिट, ये 215 का प्रॉफिट चल रहा है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, फिलहाल ठीक ठाक है। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लेंगे इसका, 33 रुपये का मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, 33 रुपये का, तो 32 रुपया 75 पैसा और 32 रुपया 85 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ मैंने ऐसे स्टॉप लॉस लगा लिया इसको। अरे वो स्टॉप लॉस काफी ऊपर लग गया, ये देखिए यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पे मुझे लगाना था, देखिए इसने हाई मार दिया 41 रुपये का, 27 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना था, मैंने 32 रुपये का लगा दिया, ये तो गलती किया, 27 रुपये का मुझे स्टॉप लॉस लगाना था, 27 रुपया 25 पैसा ये मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ये लगा दिया यहाँ, और यहाँ 257 का प्रॉफिट चल रहा है।
ठीक ठाक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन चाहे तो बाय कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क बनेगा। वेट करेंगे, थोड़ा ये रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। यहां पर एरिया है, यही एरिया के पास से ये सपोर्ट करके निफ्टी बाउंस करेगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एरिया नहीं, इसके ऊपर टिकना चाहिए। इसके ऊपर टिक गया 17,800 के आसपास तो एक पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। मेरा पॉजिटिव 122 110 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसमें वेट करूंगा थोड़ा, और करेंसी सेल किया हुआ है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्लेनमार्क फार्मा बाय कर सकते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा में बाइंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्लेनमार्क फार्मा बाय ना हो, बिल्कुल बाय बनेगा। ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर सकते हैं। चलिए वेट करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा 509 के ऊपर निकले, 8 के ऊपर निकले तो जरूर बाय करेंगे। और निफ्टी का कॉल ऑप्शन कैसा चल रहा है, तो यहीं पर है 97 रुपये का प्रॉफिट। मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया है, तो ये जब 35 रुपये के ऊपर या 36 के ऊपर निकले तो दोबारा से बाय कर सकते हैं। मैंने एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगाया हुआ, करेंसी को सेल किया हुआ, करेंसी नीचे ही आ रहा है, 200 का प्रॉफिट चल रहा है। टोटल पोजिशन 377 का है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 382 है। समय अभी 9:20 हुआ है और 47 सेकंड, ठीक ठाक आ रहा है करेंसी। वेट करना पड़ेगा निफ्टी के कॉल ऑप्शन को, जैसे ही ऊपर ब्रेक करे 36-37 को, आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। 17,800 का कॉल ऑप्शन, मैं एक इंक्रीज करना चाहूंगा 37 के आसपास में, 37 और 37 रुपया 25 पैसा, 37 रुपया 25 पैसा, 37 रुपया 10 पैसा पे मैं एक ऑर्डर और लगाऊंगा इसका, निफ्टी के कॉल ऑप्शन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो जरूर बाय करेंगे। देख रहा हूँ यहाँ पर ये सस्टेन करना चाहिए निफ्टी, अगर इस जगह पे सस्टेन कर गया और पहली कैंडल के लो को नहीं तोड़ा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस करके 17,850-860 तक जाना चाहिए निफ्टी को। इम्पोर्टेंट लेवल पर ओपन हो रहा है, जो पोजीशन है 255 का प्रॉफिट है। वेट करेंगे, करेंसी भी ठीक है। इम्पोर्टेंट, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखा है, स्टॉप लॉस कोई बड़ा नहीं है, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। एक बार ऊपर की साइड में 45 के लेवल की तरफ जाएगा, मैंने एक ऑर्डर और भी ऊपर लगा रखा है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है ये अपना हाईएस्ट जोन तो पोजीशन बनेगा। वेट करते हैं बस। ग्लेनमार्क फार्मा 509 के ऊपर निकले तो जरूर बाय करिएगा, इस जगह पे भी बाय करना है तो 503 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, 503 का एक स्टॉप लॉस लगेगा, और 503 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। कवर ऑर्डर में 503 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है,
और वेट करेंगे। ये 17,750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। ये पहली कैंडल के लो को ब्रेक कर गया है, ठीक है, पहली कैंडल के लो को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से मेरा निफ्टी का कॉल ऑप्शन कट गया है। एक कॉल ऑप्शन मेरा जो लिया हुआ था वो मेरा कट गया है, देखिए छोटा वाला कॉल ऑप्शन मेरा कट गया है, एक लॉट अभी भी है, लेकिन मेरा यहाँ से व्यू भी फिर भी बाय का ही होगा। मैं यहाँ से बाय का ही एक व्यू लगा के रखना चाहूँगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एरिया पर यह ट्रेड कर रहा है निफ्टी, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 17,750। अगर इसके ऊपर नीचे निकल गया तब तो खराब हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत, खास लॉस नहीं है। मैंने इसके हायर जोन पर एक ऑर्डर और लगा रखा है, अगर इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो और भी अच्छा मूवमेंट बनेगा। फिलहाल कोई खास बड़ा लॉस नहीं है, 184 का प्रॉफिट ही चल रहा है, करेंसी में 287-275 का प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी, ग्लेनमार्क फार्मा में 82 का प्रॉफिट चल रहा है। तो दो ट्रेड इधर जिंदा है और एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन तो ऑलरेडी चल ही रहा है, टोटल 264 का प्रॉफिट है। समय हो रहा है 9:25, तो वेट करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। चलिए, आपको बाय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी ग्लेनमार्क को बाय किया, ग्लेनमार्क बाय में ही रहेंगे। हालांकि 509 के ऊपर निकलेगा तो और भी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, 509 के ऊपर निकलने के बाद ये और भी अच्छा मूवमेंट ग्लेनमार्क दिखाएगा, ठीक है। देखिए ग्लेनमार्क निकलने की कोशिश भी कर रहा है शानदार तरीके से। मैंने देखिए निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है और मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के नीचे में लगा रखा है, जहां तक मुझे लगा ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 17,775 से 750 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। निफ्टी इसके ऊपर अगर होल्ड करता हुआ रहेगा तो एक अच्छा लेवल दिखाएगा, 17,850 तक जा सकता है। तो ये जो फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है, फिलहाल ये आपके सामने में है, ऑल पोजिशन 289 रुपए का, करेंसी में 250 का प्रॉफिट, ग्लेनमार्क में 150 का प्रॉफिट, 75 क्वांटिटी में, और निफ्टी में जो है 33 रुपए का लॉस चल रहा है, 364 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अब देखिए 18 का प्रॉफिट, 3 का लॉस, 7 का प्रॉफिट हो गया, निफ्टी में भी प्रॉफिट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 32 का प्रॉफिट, 42, एक लॉट और ऊपर लगा रखे हैं मैंने निफ्टी का कि अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में भागेगा, तो एक लॉट मैंने वहां लगा रखे ऑर्डर ट्रिगर होने के लिए। वेट करेंगे 162, देखिए अब टोटल 520 का हो गया, तो नवरात्रि का फर्स्ट डे जो है वो भी कंप्लीट हो गया, 584-652 आराम से हो गया, 257, 462 हो गया, 405-507, और ये ऑर्डर हो गया 1157, 618, 670, 670, 670। तो मैं यहाँ से एक क्वांटिटी 715 मैं अपना प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा 100 क्वांटिटी का, मैंने बुक कर लिया 100 क्वांटिटी, अब मात्र 50 क्वांटिटी का ऑर्डर है, ठीक है, बिल्कुल कॉल को बाय किया हुआ है ना निफ्टी का 17,800 का कॉल को बाय किया। राम साहब जाग गए, वाह राम साहब, मेरा बोल बोल के गला दुख गया है, 15 मिनट हो गए बोलते बोलते, लेकिन अब ये जाग रहे हैं, कहते हैं कॉल या पुट बाय करें, बताइए। तो मैंने दो लॉट निकाल लिए, टोटल 940 का प्रॉफिट हो गया, तो नवरात्रि का फर्स्ट डे भी मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने बोल रहा था ना कि लेना है 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, मैं बोल रहा था ना, शुरू से बोलता रहा। अब जो बचा एक स्टॉप लॉस जो 50 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस है, उसको 300 प्रसाद मिल गया कबाड़ से। तो सर ये क्यों मजाक करते हैं, सुबह सुबह कॉमेडी खेल रहे हैं मेरे साथ, कहते हैं कॉल या पुट बाय करें, बताइए, कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पर। कहाँ से आते हैं राम साहब आप, सब सही है ना आपका। चलिए ये आराम से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक स्टॉप लॉस इसे लगा लिया, 1052 का प्रॉफिट बन गया, 1075 पहला टारगेट की तरफ जा रहा है, पहला टारगेट की तरफ जा रहा है निफ्टी का कॉल ऑप्शन, बुक सम प्रॉफिट निफ्टी कॉल ऑप्शन। 42 का हाई हो गया है, 1158 का प्रॉफिट हो गया टोटल 742 इसमें, चलिए 42 का हाई लग गया है, 750 का प्रॉफिट, 762, 757, 812 हो गया, फर्स्ट एक टारगेट बुक, सम पूरा टारगेट बुक कर लीजिए, 45 का टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन हो गया, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करिए, 1350 का प्रॉफिट। तो शानदार तरीके से नवरात्रि का भाई हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, इसको कट करूंगा यहाँ से, पोजिशन कट करूंगा सारा,
मैं अब प्रॉफिट लेके 1260 का निफ्टी में निकल गया, अब मेरा निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। अरे हटो, निफ्टी में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, मेरा निफ्टी का टारगेट था 45 का, मैं निकल गया। ठीक है, निफ्टी का एक टारगेट था 45 का, मैं निकल गया। आई एम मोमेंटम ट्रेडर, मैं मोमेंट को कैच किया, बाहर आ गया। अब दो ट्रेड बचे हैं, करेंसी 262 का प्रॉफिट, ग्लेनमार्क 120 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ग्लेनमार्क में मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा और चुपचाप से बैठा रहूंगा कवर ऑर्डर में, और मैं क्वांटिटी इंक्रीज करके 504 के स्टॉप के साथ इसको और बाय करके रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं ग्लेनमार्क में क्वांटिटी को इंक्रीज कर लिया और चुपचाप से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, 125 क्वांटिटी ग्लेनमार्क में। तो टोटल जो नमस्कार नमस्कार टोटल हमारा पोजीशन कंप्लीट हो गया है और निफ्टी के कॉल ऑप्शन में मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया। निश्चिंत होइए, अब हमें कोई काम नहीं करने, आज का ट्रेड फिनिश हो गया, 1200-1300 का प्रॉफिट, सिंपल सा प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं आज के कैपिटल में आपको दिखाऊं, हम लोगों का फंड कितना था, 27625 रुपये से आज स्टार्ट किया था और प्रॉफिट बना लिया, उसमें टोटल कितना प्रॉफिट बना लिया, 1200 रुपये का प्रॉफिट बना लिया 1300 का। तो 2700 में अगर 1300 का प्रॉफिट लेते हैं तो कितना परसेंट हो गया, लगभग 5% का प्रॉफिट बन गया ना। मदन जी थैंक्स बोल रहे हैं, 5% का प्रॉफिट बन गया। तो 5% का प्रॉफिट सफिशियंट है हमारे लिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा पेट एकदम जल्दी भरता है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन का फर्स्ट टारगेट भी मैंने डन हो गया हम लोगों का, तो कोई टेंशन नहीं, पूरा भरोसे के साथ, बिलीव के साथ बना हुआ था कि यहाँ से जैसे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यहाँ से ही कल सारे एनालिसिस बाजार हाट न्यूज़ पर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो बना के दिया था कि कहाँ पे क्या करना है, उसके हिसाब से हमारे ट्रेड हुए और आज का ट्रेड हमारा हो गया कंप्लीट। परसेंट पॉइंट वैल्यू वाइज मत देखिए कि ए राम मात्र 1200 रुपया का प्रॉफिट, ए राम छी 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 1200 रुपया का प्रॉफिट, राम 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 ए राम, ऐसे नहीं करना है। वैल्यू वाइज नहीं देखना है प्रॉफिट, आपको ये देखना है कि आप कंटिन्यू प्रॉफिट बना पाते हैं कि नहीं, आप कंटिन्यू प्रॉफिट बना पाते कि नहीं। और 5% का प्रॉफिट, बैंक एक साल में 6% का प्रॉफिट देता है, बैंक एक साल में 6% का रिटर्न देता है, हम एक दिन में 5% का प्रॉफिट लेके आए तो क्या खराब आया। हाँ, एक दिन में, एक समय में 10 मिनट के अंदर 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:32 में ट्रेड कंप्लीट हो गया, 15 मिनट के अंदर 5% का प्रॉफिट बन गया बैंक के एफडी के एक साल के बराबर, तो क्या खराब हुआ। वो गधे होंगे जो ऐसा समझेंगे कि ये राम 1300 का प्रॉफिट, ए राम राम राम, ऐसे ना, वो गधे लोग होते हैं, इसलिए आप उन गधों को इग्नोर करिए। कुछ लोग होते हैं, क्योंकि देखिए घोड़ों की अहमियत हमेशा गधों से होती है, गधे नहीं होंगे तो घोड़ों की कोई अहमियत नहीं होगी, तो वैसे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसका आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसमें जरा सा भी आपको ये फील नहीं करना है ये बात कि ये राम इतना छोटा। आप 5% का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, हमारी एनालिसिस के हिसाब से 445 का टारगेट इसको देना चाहिए था, निफ्टी का कॉल ऑप्शन को 45 का टारगेट देना, तो वो मिल गया। ठीक है, अपना काम हो गया, करेंसी भी मैंने सेल दिया है, सेल भी अपना चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। करेंसी का पहला जो टारगेट होगा 85 के आसपास का होगा, 85, तो वो सब चक्कर में नहीं पड़िएगा आप लोग, 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट देख देख के चक्कर में पड़िएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल 10 लाख के बराबर नहीं है, आपका कैपिटल 10 लाख 20 लाख लेके आपने ना बैठे, 1 करोड़ रुपया लेके, आप 1 करोड़ रुपया लेके बैठेंगे तभी तो 50,000 क्वांटिटी खरीदेंगे या 3,500 क्वांटिटी खरीदेंगे। बात समझिए, सबका अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट है, सबका अपना अपना मनी मैनेजमेंट है ना। तो अगर आप 50,000 अगर 1 करोड़ लेके बैठेंगे तभी तो आप 5,000 क्वांटिटी खरीद पाएंगे, है ना। तो आपने जो अपना कैपिटल लिया उस पर आपने 5% प्रॉफिट बनाया, बात खत्म। बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो? इसलिए कभी उस चक्कर में मत पड़िएगा कि इतना छोटा प्रॉफिट, इतना 5% का प्रॉफिट खराब नहीं है, है ना, बिल्कुल। अब देखिए राम साहब भीड़ है, पुट बाय करना चाह रहे हैं, अब आप बोलते रहिए सर राम साहब, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आपको, आपसे तो मैं परेशान हो गया हूँ सर। फिट इन द माइंड, माइंड में फिट हो गया। देखिए निफ्टी के कॉल ऑप्शन ने 17,800 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट टारगेट भी देने की तरफ जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, हमारा टारगेट आ गया कंप्लीट, हमने पैसा बना लिया, हमारा काम फिनिश। निफ्टी का जो मैंने कहा था 17,850 के आसपास जाएगा, एक रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ तक, यहाँ पर अगर ओपन होता है, ये लाइन मैंने लगा रखे थे, इस लाइन के आसपास अगर ओपन होता है तो जरूर हम बाय करेंगे, और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो 17,850 की तरफ ये भागेगा, 54 की तरफ, 54 हो गया, 55 हो गया, शानदार शानदार।
ऑल टारगेट टर्न हो गया, निफ्टी का ऑल टारगेट टर्न हो गया। है ना, 55 का टारगेट था, 55 का टारगेट डन हो गया। कंप्लीट हो गया, 54-75 का हाई लगा तो कंप्लीट हो गया। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर, आपको भी फिट द इन द माइंड। ओके सागर सर, तो जो लाइन में कहा उसको ध्यान रखिए। कभी भी दूसरे का बड़ा बड़ा लाखों का प्रॉफिट दे के जाएंगे ना, आपको लाखों का प्रॉफिट रखने के लिए, करने के लिए आपको करोड़ों का कैपिटल चाहिए। तो आपने, आपके पास है करोड़ों का कैपिटल तो आप करिए, लगाइए, बड़े क्वांटिटी लीजिए, डजेंट मैटर। लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट अपने मनी मैनेजमेंट के अंदर लीजिए, क्योंकि जिसके पास करोड़ों का कैपिटल होता है वो भी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करता है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करता है, वो भी स्टडी के साथ ट्रेड करता है, ऐसे ट्रेड नहीं कर लेता। बात समझ रहे हैं? चलिए, इसका टारगेट डन हो गया भाई, 56-60 हो गया कंप्लीट। यहां पर से अब निकल जाइए, जो लोग अभी चुपके से बने हैं निकल जाइए। मैं मोमेंट बाय ट्रेड करता हूं, मैंने मोमेंट को ट्रेड कर लिया, यहां तक आया, मैं निकल गया। ठीक है, तो ऑल पोजीशन जो है हम लोगों के पास 1400 के आसपास का प्रॉफिट है। तो आज का एक काम खत्म हो गया, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना नवरात्रि का पहला दिन भी शुभ शुभ हो गया, 5% प्रॉफिट बना लिया, बात खत्म। तो अपना काम हो गया, अपने 1500 रुपए में 500 का प्रॉफिट इन निफ्टी ओनली वन लॉट एज पर योर गाइड। थैंक यू मदन जी। देखिए मदन जी ने 1500 रुपए में 500 का प्रॉफिट बनाया, तो खराब बनाया मतलब, ये तो माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट बनाया। 1500 में 500 का प्रॉफिट बनाना है, यानी कि लगभग 30-40% का प्रॉफिट बना लिया आपने, है ना, 30-40% का प्रॉफिट बना लिया। काम फिनिश एक ही दिन में, क्या दिक्कत है? करेंसी का टारगेट 74.85 के आसपास आएगा। देखिए करेंसी यहां पे अपने आपको होल्ड कर रहा है, अपने लो के आसपास में, इसको ब्रेक करता है तो ये जरूर 785 तक गिरना चाहिए इसको। फिलहाल 275 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, 1400 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। ग्लेनमार्क में 305 का प्रॉफिट हो गया है और ग्लेनमार्क पहला टारगेट की तरफ जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। देखिए ग्लेनमार्क में स्टॉप लॉस को धीरे धीरे उठाता चला जा रहा हूं, आराम से। आज मैंने कवर ऑर्डर में ले लिया इसको, गलती कर गया, मुझे कवर में नहीं लेना चाहिए था, नॉर्मल ऑर्डर से लेना। 17,850 का एसएल लगाया सर। थैंक्स सर, ये आपके एजुकेशन की वजह से हो पा रहा है, वेलकम सर। टारगेट कम से कम इसका 512 के आसपास में होना चाहिए ग्लेनमार्क में, 512 के आसपास, यहाँ 511-512 के आसपास में होगा, जिसका वेट करेंगे बस। और को कोई ट्रेड नहीं है हमारा, और कंप्लीट हो गया सब ट्रेड, अब कुछ नहीं करना है। चलिए, तो अब मैं इस पर कोई, इस टर्मिनल पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला, इसको क्लोज करता हूँ। टाटा मोटर्स में 15% का प्रॉफिट रहा सागर जी, और जसडाल में 14%। बुक करिए ना, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट बुक करना, प्रॉफिट बुक करने से ही आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, लॉस बुक करके कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना है आज तक। हमेशा याद रखिए, कुछ क्वांटिटी तो आपको बुक करना ही चाहिए। है ना, सिर्फ करेंसी का एक टारगेट आने की देर है। करेंसी 74.85 तक, यानी 88 और 85 ये दो टारगेट आएंगे नीचे की साइड में, और अगर ये दोनों होल्ड नहीं कर पाया तो और भी तेजी से विध्वंस हो सकता है। तो मेरा यही ट्रेड है, इस पर अब मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा, मेरा काम इस पर खत्म हो चुका है।
मदन जी, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के वजह से हो रहा है। मेरा एजुकेशन अपनी जगह पे है और आपका प्रैक्टिस अपनी जगह पर है। आप अगर मेरे एजुकेशन देने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी चीजों पर, तो मैं कितना ही अच्छा सिखा दूं आपसे नहीं हो पाएगा, तब तक जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि सचिन का बैट अगर मैं आपको लाके दे दूंगा तो आप सचिन के जैसा नहीं खेल पाएंगे। जब तक कि आप सचिन के जैसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप सचिन के जैसा खेल नहीं पाएंगे। सिर्फ उसका बैट पकड़ लेने से उसके जैसा आप नहीं खेल सकते। आई एम राइट और रॉन्ग? हंड्रेड परसेंट राइट ना? ओके, सही है ना मदन जी? बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस टर्मिनल पर मेरा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। मैं लास्ट बार अपनी पोजीशन दिखा दूं अपने व्यूवर्स को, 1300-1400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सिर्फ करेंसी और ग्लेनमार्क का प्रॉफिट है जिसके मेरा चल रहा है, बस यही है। समय 9:43 और 58 सेकेंड हो रहा है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन में मैंने कॉल टारगेट डन करवा दिया, मेरा काम फिनिश, जिम्मेदारी पूरी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लेनमार्क में पहला टारगेट डन हो चुका है, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ टोटल। ग्लेनमार्क फार्मा का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरे पास एक ही ट्रेड है सिर्फ करेंसी का। समय 10:08 हो गया है, 30 सेकेंड। टोटल 1800 का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में 866 का प्रॉफिट, ग्लेनमार्क में 605 का प्रॉफिट लिया है, और करेंसी में प्रॉफिट चल रहा है जिसमें 350 का प्रॉफिट हो रहा है। मात्र एक ट्रेड करेंसी का रहा, बाकी मेरे अब कोई भी ट्रेड नहीं। तो इस टर्मिनल का भी काम मेरा हो गया खत्म, बाकी जो है ठीक ही है। आप लोगों को दुर्गा पूजा की पहला पूजा जो है वो मुबारक हो। मात्र 27,000 के कैपिटल से आज स्टार्ट किया, 27,000, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया है 1800 का। तो लगभग लगभग देखिए कितने का प्रॉफिट बना लिया हम लोगों ने, 7 से 8% का प्रॉफिट कैच कर लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप छोटे छोटे प्रॉफिट रोज लेते रहेंगे, बड़ा प्रॉफिट बनता रहेगा अपने आप, टेंशन नहीं लेना है ना। आप ICICI प्रो लाइफ का पहला टारगेट डन हो गया 681 का, फर्स्ट टारगेट डन ICICI प्रो लाइफ। अगर इसमें प्रॉफिट बुक किया 681-60 का लो लगाया है तो नियर फर्स्ट टारगेट है ICICI प्रो लाइफ। आप लोगों ने यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, है ना, बढ़िया। चलिए, तो यहाँ का बंद करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से शाम में नेक्स्ट वीडियो में।